Hello everyone, welcome back to my channel. I am Ria and I am Priya and you are watching Find Happiness in Simple Things. तो जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैं आपको बताई थी कि मैं अभी ठहरी हूँ मेरी सिस्टर के घर में और हम दोनों बहन मिलके इनके घर के एक पर्टिकुलर एरिया को दिया है एक कलरफुल मेकओवर लुक, जो आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। आई होप आपको ये मेकओवर पसंद आने वाली है। अगर पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। This is the area we are talking about. Staircase window की हम makeover करने वाले हैं। मेरी दीदी की बहुत दिनों से मन थी कि इस जगह को थोड़ी बहुत decorate करें ताकि ये जगह eye catching लगे। और ये makeover के पीछे और एक reason भी है। ये जो wall है, इस wall में मेरी दीदी ने double-sided tape लगा के कुछ stick किए थे और वो tape निकल जाने के बाद यहाँ पे ये permanent mark हो गया है, थोड़ी बहुत damage हो गई है। तो हमें ये makeover इस तरह से करना है ताकि ये जो damage है ये hide हो जाए, इसीलिए हम करने वाले हैं wall painting। मेकओवर स्टार्ट करने से पहले वॉल को अच्छे से क्लीन करना है, इसीलिए मैं एक वेट क्लॉथ लेके वॉल को वाइप कर रही हूँ। वॉल में प्लास्टिक पेंट की हुई है, इसीलिए क्लीन करना बहुत ही इजी है। स्टार्ट करते हैं ड्राइंग। मैं यहाँ पे एक क्रीपर प्लांट की डिज़ाइन ड्रॉ कर रही हूँ। विंडो हो या फिर डोर, इसके साइड वाले वॉल पे क्रीपर प्लांट की डिज़ाइंस बहुत अच्छी लगती है और ये डिज़ाइंस ड्रॉ करना बहुत इजी भी होती है। अगर आपको मन से डिज़ाइंस आती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी आती है आप गूगल हो या पिंटरेस्ट ऐप से कोई भी ईजी वाला डिज़ाइन चूज़ करके ड्रॉ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पत्तों को और फूलों की डिज़ाइन कुछ इस तरह से कर रही हूँ ताकि ये जो डैमेज है ये कलर करने के बाद, ये ड्राइंग कलर करने के बाद वो सारी डैमेज पत्तों और फूलों के पीछे आसानी से हाइड हो सके। जब भी वॉल पे मैं कुछ पेंटिंग बनाती हूँ तो ऐसे डॉट डॉट देते हुए मैं डिज़ाइन को ड्रॉ करती हूँ ताकि कलर करने के बाद छोटी मोटी जो भी मिस्टेक्स है ये आसानी से हाइड हो जाए। अगर आप मेरी तरह नेचर लवर है, प्लांट्स को पसंद करते हैं तो और आपके घर में कोई भी एक बोरिंग वॉल को एक फ्रेश लाइफली लुक देना चाहते हैं तो प्लांट के कोई भी डिज़ाइंस बहुत अच्छी ऑप्शन है। तो ड्राइंग कंप्लीट हो गई है। इस पूरे डिज़ाइन को कंप्लीट करने के लिए मुझे 3 to 4 hours लगे। छोटे छोटे ब्रांचेस, फ्लावर्स, लीव्स मैंने ड्रॉ किए हैं तो ऑब्वियसली टाइम तो लगेगी ही। ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस ज़रूर है बट मैं जानती हूँ मेकओवर कंप्लीट हो जाने के बाद ये डिज़ाइन बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगने वाली है। तो प्लीज़ कीप वॉचिंग टिल द एंड। इसके बाद मैं कर रही हूँ कलर और ये डिज़ाइन में क्रीपर प्लांट की जो मेन स्टेम है इसे मैं पहले कलर कर रही हूँ और कलर करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लैक एक्राइलिक कलर। के ऊपर में ये जो सेक्शन है यहाँ पे पेंटिंग करना या ड्राइंग करना बहुत ही मुश्किल हो रही थी क्योंकि हमारे पास कोई भी लैडर नहीं है। एक स्टूल हमें मिली है, वो भी हाइट में छोटी है, इसके ऊपर खड़े होके हमें ये पेंटिंग या ड्राइंग करनी पड़ रही थी। जैसे कि आप देख सकते हैं इस प्लांट डिज़ाइन की जो मेन स्टेम है इसे हमने ब्लैक कलर से कलर कर लिया है। अभी मैं छोटे छोटे लीव्स को कलर करने वाली हूँ। इसके लिए मैं
3 डिफरेंट शेड्स की ग्रीन कलर बनाई है, मेन ग्रीन कलर के साथ थोड़ी सी येलो कलर और वाइट कलर मिक्स करके मैं 3 डिफरेंट शेड्स की ग्रीन कलर बनाई है। क्योंकि रियल में जो भी प्लांट्स होते हैं उसकी जो न्यू लीव्स निकलते हैं उसका कलर थोड़ी सी लाइट शेड में होती है, और जो बड़े वाले पत्ते होते हैं उसके शेड्स थोड़ी सी डार्क कलर में होती है। तो थोड़ी सी रियलिस्टिक फील लाने के लिए मैं ये 3 टाइप्स ऑफ डिफरेंट शेड्स की ग्रीन कलर से सारे जो लीव्स है उसे कलर कर रही हूँ। इतने सारे छोटे छोटे ब्रांचेस एंड लीव्स को कलर करना एक बहुत ही बोरिंग एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस ज़रूर है, बट मुझे ये करना बहुत ही पसंद है, मैं बहुत इन्जॉय करती हूँ। और उससे भी ज़्यादा अच्छी बात ये है कि हम दोनों बहन मिलके ये प्रोजेक्ट कर रहे थे तो हम बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किए। जहाँ कहीं भी मैं थक जाती थी मेरे बहन मुझे हेल्प किए, जहाँ कहीं भी वो थक जाती थी मैं उसे हेल्प किए। तो इसी तरह से हम दोनों बहन मिलके ये प्रोजेक्ट कंप्लीट किए, इसलिए ये करने के टाइम पे हम बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सारे पत्तों और ब्रांचेस को मैंने ग्रीन कलर कर लिए हैं, तो अभी ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये पोर्शन करना बाकी है। तो चलिए जल्दी से ये जो हिस्सा अभी कलर करना बाकी है इसे पहले कर लेते हैं। अभी टाइम है ये इस पेंटिंग में जो छोटे छोटे फ्लावर्स हैं उसे कलर करना। हम मल्टी कलर से इन फ्लावर्स को कलर कर रहे हैं, इसे ये जो पेंटिंग है ये और भी ब्राइट एंड ब्यूटीफुल लगने वाली है। फ्लावर्स की पेंटिंग हो जाने के बाद ये वॉल पेंटिंग कंप्लीट हो जाएगी, और आपको मैं दिखाने वाली हूँ ये वॉल पेंटिंग करने के बाद ये स्टेयरकेस विंडो एरिया कैसी दिख रही है। ये रही पेंटिंग कंप्लीट होने के बाद स्टेयरकेस विंडो की लुक। वॉल के साथ साथ इस विंडो की ग्रिल में भी हमने येलो कलर से पेंट किया है ताकि ये पहले से और भी ब्राइट दिखे। इस विंडो में थोड़ी बहुत डेकोरेशन करना अभी बाकी है। हम चाहते थे इस विंडो की जो ग्रिल है यहाँ पे रेलिंग प्लांटर को हैंग करे, बट हमारे पास इस टाइप की रेलिंग प्लांटर अभी अवेलेबल नहीं है। रेलिंग प्लांटर के बदले में इस टाइप की जो प्लास्टिक की मग्स आते हैं उसे एज ए हैंगिंग प्लांटर हम यहाँ पे लगा सकते हैं। इसके अंदर मिट्टी और पौधा डाल के इसे इस तरीके से ग्रिल में हैंग कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट कलर की मग्स अगर यूज़ करेंगे तो और भी खूबसूरत लगेगी, बट हमारे पास इस टाइप की मग्स ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं है ताकि हम यहाँ पे वो यूज़ कर सके। हमारे पास है इस टाइप की बर्ड शेप्ड हैंगिंग प्लांटर जिसके अंदर आर्टिफिशियल फ्लावर लगा के हम विंडो पे हैंग करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस टाइप की जो बर्ड प्लांटर है इसे लगाने के बाद विंडो कैसे दिखती है, उसके साथ साथ देख लेते हैं मेकओवर के बाद विंडो की फाइनल लुक।
उम्मीद है कि ये मेकओवर वीडियो आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और उसके साथ साथ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस टाइप की और भी वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्टे एट होम, स्टे सेफ़।